राजस्थान के विश्वविद्यालयों और कॉलेज में पढ़ने वाले और चुनाव लड़ने वाले छात्रों को राजस्थान सरकार की तरफ से जोर का झटका धीरे से लगा है। छात्र संघ चुनाव लड़ने के दौरान जीवन के कई महत्वपूर्ण निर्णयों के चयन की समझ विकसित करने वाले छात्रों पर अब प्रतिबंध लग चुका है कि वो अपने कॉलेज में चुनावी शिक्षा हासिल नहीं कर सकेंगे। स्वागत है आपका द नगरी न्यूज में, मैं सिद्धिका मनोहर सोनी आपके साथ। राजस्थान सरकार ने छात्र हितों को ध्यान में रख आधी रात को काम करते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने शनिवार देर रात आदेश जारी करते हुए कहा कि इस सत्र में प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेज में छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। पिछले कुछ दिनों से ही छात्र संघ चुनाव ना होने के कयास लगाए जा रहे थे, जिन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान के बाद और बल मिला। बीते दिन मुख्यमंत्री ने जो कहा वो आप खुद उनकी जुबानी सुनिए। वो शिक्षा राज्य मंत्री जो है, हमारे उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, वो इसको दिखवा रहे, बातचीत करके वो फैसला करें। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, लिंडो कमेटी बनी थी, लिंडो कमेटी में रिकमेंड बहुत शानदार थी, चुनाव होने बंद हो गए थे। मैं ही वो मुख्यमंत्री हूँ जिसने राजस्थान में चुनाव वापस प्रारंभ करवाए थे। हमसे बड़ा कमिटमेंट किसी का होगा चुनाव के अंदर? पर आज जो पैसे खर्च कर रहे हैं बच्चे, अभी से ही जब MLA MP के चुनाव लड़ रहे हों, तो कहाँ से पैसे आता है, क्यों खर्च कर रहे हैं? और जो लिंडो कमेटी की रिकमेंडेशन थी कोड ऑफ कंडक्ट की, उस धज्जा उड़ा रहे हैं, उसको हम पसंद नहीं करते। चुनाव भी आ रहे हैं असेंबली के, और भारतीय वो क्या ABBP, दो तीन लड़के रेप किए वहाँ पर जोधपुर के अंदर, उसकी चर्चा क्यों नहीं करें? वो चुनाव के कैंपेन में आए थे जोधपुर के अंदर, छात्र संघ के चुनाव के कैंपेन में आए हुए थे, हमारे किराए का कमरे लेके रह रहे थे, उन्हें रेप कर दिया। इनका वो करेक्टर है, वो हमें शिक्षा दे रहे हैं। जो घटनाएं हो रही है तो हिंदुस्तान भर में हो रही है, पर हम वो राज्य सरकार है, हमारी पुलिस वो है, हर घटना को 2 घंटे में 4 घंटे में 6 घंटे में पकड़ लेते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री के बयान के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि राजनीति के सफर की शुरुआत जहां से मुख्यमंत्री ने की थी, वो आज उसी के दुश्मन कैसे बन गए? वही उन्होंने चुनाव ना होने के जितने भी कारण बताए हैं, उन पर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ये सब तो मुख्य धारा की राजनीति पर भी लागू होते हैं। वही दूसरी तरफ छात्र संघ चुनाव ना होने के पीछे कारण बताया गया कि उच्च शिक्षा विभाग ने कुलपतियों के साथ छात्र संघ चुनाव को लेकर संवाद किया, इस पर कुलपतियों ने छात्र संघ चुनावों में धनबल और बुजबल के खुलकर प्रयोग होने का हवाला देते हुए चुनाव नहीं कराने की सिफारिश की। कुलपतियों ने कहा कि छात्र संघ चुनाव से शिक्षण कार्य अत्यधिक प्रभावित होता है, छात्र संघ चुनाव हुए तो नई शिक्षा नीति के तहत सेमेस्टर सिस्टम लागू करने में असुविधा होगी। कुलपतियों के सुझाव के बाद मुख्यमंत्री की सहमति से छात्र संघ चुनाव पर इस सत्र में रोक लगा दी गई है। एक वजह यह भी सामने आ रही है कि चुनाव नहीं कराने के पीछे का कारण विधानसभा चुनावों को भी माना जा रहा है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि छात्र संघ चुनावों के नतीजों का असर विधानसभा चुनाव पर पड़े। इस निर्णय के बाद छात्र आंदोलन पर बैठे हैं और अशोक गहलोत सरकार को तानाशाही बताते हुए चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि छात्रों की मांग को सरकार सुनती है या नहीं। इस मामले में आगे क्या होगा ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।